चलिए बच्चों, कुछ सवाल करते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो मैंने थ्योरी पढ़ी है उसी के बेसिस पे आपसे दो सवाल पूछता हूँ, ठीक है? चलिए बेटा, पहला सवाल इस तरीके का है कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस है। दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज 20 ओम एंड दिस वन इज 20 ओम, और एक डायोड लगा रखा है ऐसे, ठीक है? पी इस तरफ, एन इस तरफ डायोड लगा रखा है ऐसे, ठीक है? और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट के अक्रॉस एक बैटरी लगा रखी है जो 120 वोल्ट्स की है। डायोड के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो ऑफ कोर्स हम उसको आइडियल डायोड ही मानेंगे, या तो बता देते कि उसका नी वोल्टेज ये है वगैरह वगैरह, वेरियर वोल्टेज ये है, ऐसा कुछ बोलते। नहीं बोल रखा तो ऑब्वियस बात है कि हम थोड़ा उसे आइडियल डायोड ही मानेंगे, ठीक है? ये अरेंजमेंट है बेटा। सवाल है, फाइंड करंट इन ईच वायर। हर तार में कितना कितना करंट है बताओ। बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे। हर तार में कितना कितना करंट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस डायोड का रेजिस्टेंस जीरो है या इन्फिनिटी है। सर, जीरो और इन्फिनिटी दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इस वाले पॉइंट का हायर पोटेंशियल हुआ और इस पॉइंट का लोअर पोटेंशियल हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहां का पोटेंशियल अगर ज्यादा हुआ और अगर यहां का पोटेंशियल कम हुआ तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा ऑब्वियस बात है कि करंट यूं जाना चाहेगा तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, तो उस केस में एक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। तो डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि कौन सा पोटेंशियल हायर है। अब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा या रिवर्स बायस रहेगा, इसके लिए मुझे एक बार ना एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर, कौन सा वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर। तो एक बार के लिए ऐसा मान लो कि यहां पर डायोड है ही नहीं और इस पॉइंट को लेट्स मैंने पॉइंट एक्स कह दिया और इस पॉइंट को लेट्स मैंने वाई कह दिया, ठीक है? यहां का पोटेंशियल बेटा जीरो, यहां का पोटेंशियल 120 वोल्ट, ये 10 ओम और 20 ओम बेटा दोनों सीरीज में, कितना हो गया 30 ओम। 120 डिवाइड बाई 30, करंट विल बी 4 एम्पियर। ये एक्चुअल आंसर नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं, तो करंट विल बी 4 एम्पियर। 4 इंटू 10, ऑफकोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज कितना 40, यहां पर 120 है। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो 40 वोल्ट घटेगा, तो x पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपका आ जाएगा बेटा कितना 80 वोल्ट। अच्छी बात है। जो करंट यू जा रहा होगा उसकी कहानी बेटा लगभग लगभग ऐसी है, दिख ही रहा आपको, तो 20 ओम एंड 10 ओम बेटा कितना हो गया 30 ओम, 30 ओम पोटेंशियल डिफरेंस इज 120, करंट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। 20 ओम में से अगर 4 एम्पियर करंट गुजरेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 इंटू 4 बड़ा कितना आ गया 80, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 80 होना चाहिए। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते तो पोटेंशियल घटता है, कितना घटेगा 80 घटेगा, कितने में से 120 में से 80 घटा, तो वाई पॉइंट पर जो पोटेंशियल है मेरे पास आ गया 40। इसका मतलब एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और वाई पॉइंट पर पोटेंशियल कम है। एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और वाई पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब ये डायोड जिसका P इस तरफ और N इस तरफ है, P को जोड़ रखा है हायर पोटेंशियल, N को जोड़ रखा है लोअर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर एंड दैट्स इट, इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर एंड दैट्स इट। इसी बात की तो टेंशन थी हमें कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा या ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। पता लग गया कि बेटा कैसे बिहेव करेगा, एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ये शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, अब हमें सवाल ऑफिस से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मेरे पास जुगाड़ ऐसा है कि दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, ये शॉर्ट वायर है तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल अब सेम। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने ये निकालने के लिए किया था कि ये फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, ठीक है? सिर्फ उसके लिए। अब बाकी तो एक बार अगर ये शॉर्ट वायर हो गया तो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल तो सेम। इसी तरीके दिस इज 20 ओम,
दिस वन इज 10 ओम। ये थोड़ा सिंपल सवाल बन गया हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आप लोग जानते हो कि ये दोनों, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, फिर आपस में दोनों सीरीज। 20 एंड 10 अगर दोनों पैरेलल में है तो 20 इंटू 10 अपॉन 30, बट दैट कम्स आउट विद 20/3। ये 20/3 और ये भी 20/3, दिस वन इज 20/3, दिस वन ऑल्सो कम्स आउट टू बी 20/3, 20/3, 20/3, पूरे के पूरे सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट आया है दैट कम्स आउट टू बी 40/3। 120 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी में से जो करंट आएगा उसकी वैल्यू होगी 120/40/3, बट मेरे ख्याल से तो 9 एम्पियर आएगा, तो कुल मिलाकर बड़ा यहां से 9 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बड़ा आपको बताइए, ये दोनों रेजिस्टेंस है 1:2 के रेशो में, तो करंट बढ़ जाएगा कैसे, रेजिस्टेंस अगर 1:2 के रेशो में है तो करंट बढ़ जाएगा 2:1 के रेशो में, तो यहां से करंट जाएगा 6 एम्पियर, यहां से करंट जाएगा 3 एम्पियर, यही 9 एम्पियर बड़ा वापस से यहां से निकल जाएगा, कुछ इसमें से आएगा कुछ इसमें से आएगा, सर कितना आएगा, अगेन दोनों के दोनों पैरेलल है, करंट बढ़ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसके मुकाबले इसका रेजिस्टेंस है दुगना, तो इसका मतलब इसके मुकाबले इसके पास करंट होगा दुगना, तो इसके पास से आएगा 3 एम्पियर, बड़ा यहां से आएगा 6 एम्पियर, यही 3 एम्पियर बड़ा यूं आएगा, अरे सर इधर से तो 6 एम्पियर आ रहा था, इधर 3 एम्पियर चला गया, तो यहां से कितना जाएगा 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर इधर से आएगा, ये 3 एम्पियर इधर से आएगा, 3 एंड 3 विल बिकम 6। तो जैसे हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो क्या नाम था उसका बेटा, हमारा जो क्या नाम था हाँ डायोड था वो फॉरवर्ड बायस है, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत ही पीस ऑफ केक सवाल था कि फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा और शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, तो सिंपल सा सवाल हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, आपस में दोनों सीरीज, सिंपल सा सवाल। फेयर इनफ बेटा, एक सवाल और करते हैं, ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है बेटा, वापस से आप बनाना। सवाल ऐसा है, दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज 20 ओम, सब कुछ बड़ा वैसा का वैसा ही है, दिस वन इज 20 ओम, दिस वन इज 10 ओम, और डायोड जो है वो बड़ा ऐसा लगा हुआ है, डायोड ऐसा लगा हुआ है और वही बैटरी बेटा, वही आपकी बैटरी। ठीक है बच्चों, सवाल बेटा वही है, बैटरी का वोल्टेज है 120 वोल्ट, सवाल आप जानते हो, फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में करंट लिखिए। कोशिश करो बेटा, पहले तो ना ये सोचो कि हमारा जो डायोड लगा हुआ है, अच्छा डायोड आइडियल है ये तो आपको पता लग गया कि या तो इसका रेजिस्टेंस जीरो है या इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, डिपेंडिंग ऑन कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है कि नहीं। अब जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का अगर आइडिया लग जाएगा उसके बाद तुम सवाल कर लेंगे। अब बेटा वापस मेरा करने का ऐसा मन तो है नहीं, तुम जानते हो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल 120। सबसे पहले जो डायोड है ना इसको हटाओ, डायोड को हटाकर चेक करो कि कौन से वाले पॉइंट का हायर पोटेंशियल और कौन से वाले पॉइंट का लोअर पोटेंशियल। तो बड़े आराम से कह सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल 120, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, ये 10 ओम, ये 20 ओम, बड़ा दिस इज 20 ओम, दिस इज 10 ओम, ऊपर से करंट जाएगा 4 एम्पियर, 10 ओम में से अगर करंट जाएगा 4 एम्पियर तो 40 पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 80, यहाँ से भी करंट बेटा 4 एम्पियर जाएगा, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 80, 20 × 4 = 80, यहाँ का 120 तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया 40। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स ये डायोड कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस की तरह, और रिवर्स बायस में हमारा आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, कैसे बिहेव करता है, ऑफकोर्स बिहेव करता है एक ब्रोकन वायर की तरह, और अगर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है तो हम डायग्राम वापस से बना लेते हैं, हमारा डायग्राम विल लुक लाइक दिस। आवर डायग्राम विल लुक लाइक दिस, लो बेटा This is 120, this is 10, this is 20, this is 20, this is 10. अब थोड़ा ठीक है, यहां का पोटेंशियल 120, यहां का पोटेंशियल 0, 10
10 एंड 20 कितना होगा डाल 30, ऊपर से करंट आएगा 4 एम्पियर, 20 120 यहां पर 0, यहां से अगेन बड़ा करंट आएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट ऐसे, 4 एम्पियर करंट ऐसे, ऑफ कोर्स बड़ा यहां से करंट आएगा आपका 8 एम्पियर, सिंपल। आई होप बड़ा इस बात को तुम समझ गए होंगे। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको थ्योरी में निकाल चुका हूं, लेकिन इस तरह का सवाल बड़ा ऑफ कोर्स जेई मेन में पूछ सकते हैं अगर उन्होंने अच्छा सवाल पूछा तो, आसान बड़ा पूछ ही लेते हैं, लेकिन मान लो कोई हल्का सा टफ पूछा तो इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों एक छोटा सवाल और कीजिएगा, बढ़िया सवाल है बेटा, हमारे पास एक बैटरी है, हायर पोटेंशियल यहां पर, लोअर पोटेंशियल यहां पर, इस बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट, यहां पर एक रेजिस्टेंस है लेट से R1 100 ओम, बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस है R2, दिस वन इज 1000 ओम, यहां कहीं एक जेनर डायोड है, ऑफ कोर्स रिवर्स बायस लगाऊंगा मैं उसको, बेटा ये जेनर डायोड का साइन, और इस जेनर डायोड का जो जेनर वोल्टेज है वो मुझे 6 वोल्ट्स गिवन है मुझे कि 6 वोल्ट हो गया तो इसमें जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 6 वोल्ट्स को क्रॉस नहीं करेगा। आई होप यू डू रिमेंबर द फेनोमेनन ऑफ जेनर डायोड एंड जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है बेटा। सवाल है फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में करंट बताओ, बताएंगे। अगर यही जेनर डायोड का उल्टा लगा रखा होता, फॉरवर्ड बायस होता, तो बड़ा बिल्कुल सिंपल डायोड की तरह बिहेव करता, रिवर्स बायस्ड है। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि फंडा ये था कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से कम हुआ तो इसमें से करंट गुजरेगा ही नहीं, सारा करंट इधर से निकलेगा, यू निकलेगा सारा करंट। आई होप यू डू रिमेंबर दैट, ठीक है। रिवर्स बायस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से कम है तो, 6 वोल्ट से अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की कोशिश करोगे तो बेटा ऑफकोर्स इसके अंदर से ना जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा और अच्छा खासा करंट गुजरेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, लेट्स से, क्योंकि बड़ा ऑफकोर्स आपने इसको रिवर्स बायस कर रखा है, रिवर्स बायस कर रहा तो इसमें से करंट नहीं गुजरना चाहिए, इसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की अगर तरह बिहेव करना चाहिए तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस। मैंने ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर दिया, दिस इज 100 ओम, दिस इज 1000 ओम, दिस इज ऑफकोर्स 10 वोल्ट। अब सुनो, सारा करंट यूं जाएगा, करंट की वैल्यू आएगी 10/1100, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही जो यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें बड़े आराम से ले सकता हूं करंट, दैट इज 10/1100 मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक का रेजिस्टेंस। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 100/11, बट दैट कम्स आउट विद 9.9 वोल्ट्स। इसका मतलब अगर जेनर डायोड से अगर करंट नहीं गुजर रहा है तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो 9.9 वोल्ट हो गया, और ये 9.9 वोल्ट तो हमारे जेनर वोल्टेज से ज्यादा है, और हम जानते हैं कि जेनर वोल्टेज अगर यहां पर आ गया, जेनर पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां पर आ गया, फिर तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तरह बिहेव ही नहीं करेगा। इट मींस दैट दिस कंडीशन हैज फेल्ड। अगर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आया होता तो आप कहते कि अरे यहां से तक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट को क्रॉस नहीं करता तब तक जेनर डायोड तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा। आई होप यू डू रिमेंबर एवरीथिंग। लेकिन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 9.9 वोल्ट हो गया, और जैसे ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट पहुंचता है उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें से करंट लगातार फटाफट आएगा और बेटा ये कंडक्टिंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो आप बोल देना कि सर ऐसे केस में तो जेनर ब्रेकडाउन हो गया है, और अगर जेनर ब्रेकडाउन हो गया है तो हम जानते हैं कि अब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0। अब तो हो गया बड़ा सवाल, अब तो फिक्स है,
अब 9.9 वोल्ट नहीं रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्योंकि इसमें जेनर ब्रेकडाउन हो गया, जेनर ब्रेकडाउन होते बड़ा पोटेंशियल होता है 6 वोल्ट ही रहेगा। यहां से जो करंट गुजरेगा दैट विल बी 6/1000 दैट कम्स आउट टू 0.006 एम्पीयर। सिंपल सिंपल, फाइंड करंट इन ईच वायर निकाल लेंगे। इस तार में करंट क्या होगा, यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, बड़ा यहां से 10 बढ़ेगा, यहां से 10, ये 10, ये 6, यहां से करंट गुजरेगा 10-6/100 दैट इज 4/100 दैट इज 0.04 एम्पियर। 0.04 एम्पियर में से इसमें से करंट गुजरेगा 0.04 माइनस कितना था बेटा, 0.006। अब बाकी बचा हुआ करंट इसमें से गुजरेगा, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें से करंट गुजरेगा 0.006, तो इसमें से गुजरेगा 0.04 माइनस 0.006 और इसकी वैल्यू आएगी 0.034। बढ़िया आंसर है। कोई मुझसे पूछ ले कि इसमें पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो सर पावर का तो बहुत ही क्लियर सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट्स, करंट इसमें से गुजर रहा है 0.034 एम्पीयर। वोल्ट्स इनटू एम्पीयर इज ऑफ कोर्स वाट। कोई अगर पावर पूछे तो बताइए। ये बड़ा आपका आंसर है, तो ध्यान रखिए इस बात को कि पहले चेक कर लिया करो कि हमारा जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जेनर वोल्टेज से कम है या ज्यादा है। अगर जेनर वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जेनर वोल्टेज से कम है तो ऑफकोर्स बड़ा वो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और कोई करंट नहीं गुजरेगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने 6 वोल्ट अदा करने की कोशिश की तो अचानक से इसमें से ब्रेकडाउन हो जाएगा और अच्छा खासा करंट गुजरेगा। आई होप बड़ा कॉन्सेप्ट तो याद होंगे। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फोटोडायोड। फोटो मीन्स बेटा समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ये अपने आप में एक ऐसा पीएन जंक्शन है, पीएन डायोड है विच इज सेंसिटिव टू लाइट, विच इज सेंसिटिव टू लाइट। इट इज पीएन डायोड विच इज sensitive to light, fair enough। जैसे क्या अर्थ है बड़ा सुनना, ये जो हमारा फोटो डायोड है इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। बड़ा ये फॉरवर्ड बायस में इतने बेटर तरीके से काम नहीं करता जितने बेटर तरीके से रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस के अंदर लाइट गिरने का जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ता है, बेटर पड़ता है। देखते बेटा कैसे। सबसे पहले बेटा आप एक डायोड लीजिए, सिंपल पीएन डायोड लीजिए, ये बेटा इसका पी, ये एन, इसको रिवर्स बायस कीजिए, इसको आप रिवर्स बायस कीजिए ऐसे, हायर पोटेंशियल एन पे और लोअर पोटेंशियल पी पे। ऑफ कोर्स बेटा हम जानते कि इधर से कुछ छोटा सा करंट जाएगा, बड़ा कुछ हल्का फुल्का करंट जाएगा और वो इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर जाया करता है। बड़ा थोड़ा इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर जाता है। मैं इस करंट को एक बार के लिए आई वन बोल दूं, आई वन विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल करंट। इस करंट को मैं एक बार के लिए डार्क करंट भी कह सकता हूं। डार्क इसलिए कि अभी तक आपने लाइट गिराई नहीं है, इसलिए मैं इसको डार्क करंट बोल दिया, ठीक है। रिवर्स बायस है तो आप जानते हैं इस बात, बड़ा करंट बहुत ही कम जाता है। अगर फॉरवर्ड बायस किया होता तो पहले से करंट खूब सारा जा रहा होता, रिवर्स बायस है इसलिए करंट बहुत कम जाएगा एंड इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस पर लाइट गिराई ऐसे, लाइट गिराई ऐसे, और लाइट इस तरह से गिराई है कि ये जो पीएन जंक्शन है ये जिस भी सेमीकंडक्टर से बना होगा उसके फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी इन फोटॉन्स के पास होगी। अगर मैं इस लाइट की अगर वेवलेंथ अगर लेमडा रखूं तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि इस सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड बड़ा लेट्स से ये रहा और बड़ा ये इसका वैलेंस बैंड रहा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लेट्स से दैट इज डेल्टा ई जी। अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो मैंने लाइट गिराई है उसके पास जो एनर्जी है दैट इज एच सी बाई लेमडा जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये लाइट जैसे ही किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर गिरेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहां से उठकर यहां आ सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां पर आएगा यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पर एक होल आ जाएगा, और इस कारण से हमारे इस पीएन जंक्शन के पास खूब सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे खूब सारे बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाएंगे वैसे ही इस रीजन के अंदर अचानक से आपका करंट बढ़ जाएगा। जो करंट पहले माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में था वो करंट बढ़कर रफली बोल रहा बड़ा मिली एम्पियर के ऑर्डर में पहुंच जाएगा सिर्फ इस बात से कि आपने लाइट गिराई है। और ये जो करंट आया है ये जो बड़ा मेरे पास करंट आया है मैं इसको ब्राइट करंट बोल रहा हूं। मैंने इसके साथ ब्राइट शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि ये करंट तब आया है जब मैंने इस पर लाइट गिराई है। लाइट गिराने पर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स इकट्ठे हो गए, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बन गए और चार्ज कैरियर्स बनने के कारण ऐसा हो गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो लाइट गिराए बेटा ऐसे जिसके पास एनर्जी जो है वो डेल्टा ई जी से ज्यादा हो, इस कारण आपका करंट अचानक से बढ़ जाएगा। जो करंट पहले आपके पास माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में था वही करंट बढ़कर मिली एम्पियर के ऑर्डर में हो जाएगा। यही नहीं, अगर आपने इस पावर को मान लो बड़ा आपने जो लाइट गिराई है उसके पावर को पी से टू पी कर दिया तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो ऑफ कोर्स एन से टू एन हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर दुगने हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे वो दुगने हो जाएंगे, और अगर वो दुगने हो जाएंगे तो करंट भी लगभग दुगना हो जाएगा क्योंकि जो पहले से करंट था ना वो तो बहुत ही स्मॉल था। तो आप कह सकते हो कि जितना अगर पहले करंट आई था तो अब बड़ा हुआ करंट टू आई हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट का पावर बढ़ाओगे बेटा वैसे वैसे आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल जनरेशन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन अगर ज्यादा होंगे तो चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ करंट पहले भी था लेकिन वो जो करंट था वो काफी छोटा था तो उसको हम एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैंने लाइट नहीं गिराई थी तो करंट था आई वन। ये बड़ा कब तक है, दिस इज विदाउट इंसिडेंस ऑफ लाइट। जैसे बड़ा आपने लाइट गिराई वैसे करंट बड़ा बढ़ जाएगा। दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर ब्राइट करंट, बड़ा दिस इज योर डार्क करंट। सिंपल, कोई बड़ा बहुत हाई फाई बात नहीं है। हाँ, इस पर सवाल जरूर आ सकता है, डेल्टा एजी दे दिया और पूछ ले बताओ कि वेवलेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए लाइट की, तो आप कह सकते हो कि सर एच सी बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एजी। तो अगर ये चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉजिक तो समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फोटो डायोड का उल्टा, That is light emitting diode. That is but a light emitting diode. ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करेगा, ऐसा डायोड बड़ा जो लाइट को एमिट करेगा, तो हेडिंग लिखिए light emitting diode. लाइट एमिटिंग डायोड अगेन बेटा आपके पास एक पीएन जंक्शन पीएन डायोड है। ये इस बार बड़ा का फॉरवर्ड बायस्ड है, ये बड़ा इस बार आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर आपका कोई पीएन डायोड लगा हुआ है तो आपको हल्का फुल्का इस बात का आइडिया है कि ये आपका पीएन डायोड, ये बीच में डिप्लीशन रीजन, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप को बड़ा आपने लगाया है पॉजिटिव पोलरिटी से, एन टाइप का आपने लगाया है नेगेटिव पोलरिटी से। यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स से बड़ा यहां पर खूब सारे होल्स हैं। होल्स जो होंगे वो चलते 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 बड़ा यहां आएंगे,
इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चलते चलते यहां आएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आकर रिकम्बाइन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आकर बेटा क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आएंगे, होल्स इस तरफ से आएंगे और वो आकर बेटा रिकम्बाइन 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 लगातार चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स की बेटा ऑफकोर्स सप्लाई यहां से चलती रहेगी, होल्स की सप्लाई एक तरह से यहां से चलती रहेगी। कहने का मतलब ये कि करंट ऐसे आएगा, करंट यू आएगा तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, ये लगातार चलता रह जाएगा। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर पी टाइप की तरफ से होल्स आएंगे और एन टाइप की तरफ से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो लगातार रिकम्बाइन होते रहेंगे। एक बार मैं लाइन लिख लूं, होल्स फ्रॉम पी साइड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल रिकम्बाइन इन डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन जोन। अच्छा, रिकम्बाइन होने का अर्थ क्या है? रिकम्बाइन होने का अर्थ यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर वैलेंस बैंड के अंदर, यहां कहीं होल था, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये उठ के बेटा यहां बैठ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के बैठ गया पूरा बॉन्ड बन गया और फ्री इलेक्ट्रॉन भी गायब और होल भी गायब। ये आपका अगर कंडक्शन बैंड है और ये अगर आपका वैलेंस बैंड है और इन दोनों के बीच में अगर बड़ा मान लीजिए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर डेल्टा ईजी है, तो इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पर आने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन बैंड से उछल कर वैलेंस बैंड में जाएगा और अगर वैलेंस बैंड में जाएगा तो उसकी डेल्टा ईजी एनर्जी घटेगी और जितनी एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी का फोटोन ही अपने अंदर से एमिट कर देगा। तो जैसे डेल्टा ईजी एनर्जी घटेगी ये फोटोन एमिट करेगा और ऐसा फोटोन एमिट करेगा जिसकी वेवलेंथ लेमडा होगी एंड एच सी बाय लेमडा शुड बी इक्वल टू डेल्टा ईजी। सिंपल सिंपल। तो अब लगातार क्या होगा कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस में ये लगातार काम चलता जाएगा, करंट लगातार आता जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स होल्स लगातार आते जाएंगे और यहां से लगातार एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट लगातार निकलती जाएगी। और जो फिक्स्ड वेवलेंथ होगा उसकी वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा। अब ऑफकोर्स मैं ये जो सेमीकंडक्टर बनाऊंगा ये अलग अलग चीजों का बना सकता हूं। मुझे ग्रीन लाइट चाहिए होगी तो डेल्टा ईजी इस तरह से लूंगा कि लैम्डा किसका आए, ग्रीन का ही आए। मुझे रेड लाइट चाहिए होगी तो डेल्टा ईजी ऐसा लूंगा, मतलब ऐसे एलिमेंट से सेमीकंडक्टर बनाऊंगा जिसका डेल्टा ईजी जो है वो उस रेंज में आए कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो रेड वाली आ जाए। तो हम अलग अलग कलर बड़े आराम से इस तरह से एमिट करवा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स यू नो इट वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन का यहां से कूद कर यहां पर आना, दिस इज नोन एज योर रिकॉम्बिनेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर रिकॉम्बिनेशन। आई होप बेटा अगली बात समझ गए। तो लगातार ऐसे करंट बहता जाएगा और लगातार लाइट इस तरह से लगातार निकलती जाएगी। तो ये रहा हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। कुछ ना कुछ करंट बेटा ऐसे फ्लो करेगा और करंट लगातार फ्लो करेगा तो बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर से होल्स रिकम्बाइन, तो इसमें से लगातार लाइट लगातार निकलती रहेगी। लाइट किस वेवलेंथ की निकलेगी ये डिपेंड करता है कि आपने सेमीकंडक्टर किनका बनाया है और उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। सिंपल। चलिए बच्चों, एक सवाल पूछता हूं। फाइंड फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच वी शुड मेक लाइट एमिटिंग डायोड विच एमिट्स रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ
7000 एंगस्ट्रॉम, बड़ा रफली लिखा है, 7000 कैलकुलेशन आसान। रेड लाइट निकालनी है 7000 एंगस्ट्रॉम की, तो ऑब्वियस बात है बेटा रेड लाइट 7000 एंगस्ट्रॉम की तभी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर यहां पर आए और वो 7000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन के बराबर एनर्जी का डिफरेंस रखे यहां से यहां तक। तो आप कहोगे कि सर वो जो फोटोन है उसके पास एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा एंड इट शुड बी इक्वल टू दिस एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई जी। कर लेंगे अब तो बेटा एच सी की वैल्यू बेटा हमें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। 12400 या 12420 ये अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होती है, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। डिवाइड बाय लैम्डा, बड़ा लैम्डा है 7000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल और इससे मेरे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप आ गया, ये दोनों कैंसिल, बड़ा कितना आ गया 124 अपॉन 70 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो जो भी सेमीकंडक्टर बनाए उसका डेल्टा ईजी जो है बड़ा वो 124 अपॉन 70 के आसपास होना चाहिए। आसपास क्या मतलब, यही होना चाहिए और क्या होना चाहिए। कितना है 1.77 आ गया, 1.77। तो ऐसा सेमीकंडक्टर यूज करो बड़ा जिसका डेल्टा एजी 1.77 इलेक्ट्रो वोल्ट, फिर एनफ। उल्टा सवाल भी हो सकता है बेटा, पता दे दिया, पता किया कि कल को डेल्टा एजी दे दिया और पूछ रहे बताओ किस कलर की लाइट निकलेगी, बता देंगे। इसका मतलब लैम्डा पूछा है, डेल्टा एजी को नीचे लेंगे लैम्डा ऊपर लेंगे, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई इस वेवलेंथ की लाइट इसमें से निकलेगी, तो उल्टा ही पूछ सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये वाला सारा फंडा समझ में आ ही गया होगा। लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड की कैलकुलेशन मोर और लेस एक जैसी है, लेकिन दोनों काम थोड़ा अलग अलग तरीके से करते हैं। जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा यहाँ से उछलकर यहाँ पर आता है और एनर्जी लॉस करता है, और जो एनर्जी लॉस करता है वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलती है, और हमारा जो फोटो डायोड था वो उल्टा था, फोटोन एब्जॉर्व कर रहा था और इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां पर जा रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो जस्ट उल्टा है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई जी, इससे मेरा काम चल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर, हेडिंग लिखिए बेटा नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऐसा इक्विपमेंट है जो बड़ा काफ़ी ज़्यादा हमारे आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काम आता है, खास तौर से करंट बढ़ाने में, वोल्टेज बढ़ाने में, पावर को एम्पलीफाई करने में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। हमारे किसी भी फ़ोन का अगर तुम आईसी निकाल के देखोगे, इंटीग्रेटेड सर्किट अगर निकाल के देखोगे, तो उसमें वो बड़ा बहुत छोटे छोटे पीएन डायोड और ट्रांजिस्टर दिख जाएंगे। किस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, किस किस तरह से वो काम करते हैं, सारी वर्किंग हम ढंग से देखते हैं। हालांकि इस साल सीबीएसई बोर्ड के अंदर ट्रांजिस्टर को कट कर दिया गया है, बट फिर भी है ना हर साल थोड़ा पूछते ही हैं, और इस साल भी बोर्ड अपने जो जेई मेन का एग्जाम है उसमें ट्रांजिस्टर का सवाल तो आ ही सकता है, पहले भी आए हैं, इस साल भी आ ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों ट्रांजिस्टर क्या है सुनना बेटा, इट इज बेसिकली थ्री जंक्शन डायोड, थ्री टर्मिनल डायोड, बेटा तीन टर्मिनल्स होंगे, हाँ जंक्शन सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, मैं दिखाऊंगा बेटा कैसे, एंड देयर विल बी टू जंक्शंस, व्हेन आई से जंक्शंस आई ऑब्वियसली मीन्स पीएन जंक्शंस, कैसे सुनिएगा। हमारे पास प्राइमरीली दो तरह के ट्रांजिस्टर्स हैं, पहला है हमारे पास एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर इस तरह से बड़ा हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर होगा, उस प्योर सेमीकंडक्टर का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें हम एन टाइप डोपिंग करेंगे, बीच वाला जो हिस्सा है पतला सा बड़ा उसमें हम पी टाइप डोपिंग करेंगे, और जो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा हिस्सा है बड़ा उसमें हम एन टाइप डोपिंग करेंगे। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन बराबर नहीं बनाना है, इसे छोटा बनाना है, इसे बड़ा बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर लीजिए, यहां पर एन टाइप डोपिंग,
फिर जो थिन सा रीजन है यहाँ पर पी टाइप डोपिंग, और जो लास्ट का जो सबसे बड़ा वाला जो रीजन है उसमें एन टाइप डोपिंग। ये रहा आपका पहला टर्मिनल, ये रहा आपका दूसरा टर्मिनल, और ये रहा आपका तीसरा टर्मिनल। जंक्शन आपके दो हैं पी एन, एक जंक्शन और है पी एन, फिर है ना दो जंक्शन है, दिस इज योर एन पी एन ट्रांजिस्टर। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको हम नाम देंगे एमीटर। ये नाम कहां से आया देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला जो पतला हिस्सा है बड़ा उसे हम बेस कहेंगे, और राइट साइड वाला जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे हम कलेक्टर कहेंगे। सेमी कलेक्टर में अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी है और बेस की साइज सबसे छोटी है। एमीटर जो है इट इज लार्जर देन बेस बट ऑफकोर्स थिनर देन कलेक्टर। ठीक है बच्चों, हालांकि बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो फिर पी एन पी बन सकता है, पी एन पी ऐसा ही बन सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले आप प्योर सेमीकंडक्टर लीजिए, ले लिया बड़ा आपने सिलिकन ले लिया, जर्मेनियम लिया, जो क्योंकि इच्छा वो ले लीजिए। अब उसमें डोपिंग कीजिए, जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें बड़ा जी आप थर्ड ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का उससे डोपिंग कीजिए पी टाइप। बीच में पतला सा रीजन है बड़ा उसमें आप डोपिंग कीजिए फिफ्थ ग्रुप की नाइट्रोजन फैमिली की, और लास्ट वाले में फिर से बड़ा पी टाइप की डोपिंग कर दीजिए। ऐसे ये एक रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन। जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है उसका बड़ा हम नाम निकालेंगे अगेन एमिटर, जो बीच वाला है बड़ा उसका हम नाम निकालेंगे बेस, और जो राइट मोस्ट है बड़ा उसका हम नाम निकालेंगे कलेक्टर। ठीक है बच्चा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम निकालेंगे पीएनपी। चलिए बेटा, अब किसे कलेक्टर बोलोगे, किसे एमिटर बोलोगे, किसे बेस बोलोगे, उस पर भी हम धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले एमिटर, सबसे पहले बेटा एमिटर, मुझे लगता है ऑफिस से बनाने पड़ेंगे, मैंने मिटा दिया। नेक्स्ट, सबसे पहले एमिटर, एमिटर जो रीजन था ये सबसे ज्यादा हैविली डॉप्ड है, इसके अंदर डॉपिंग की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। इट इज हैविली डॉप्ड। ठीक है बच्चों, और हैविली डॉप्ड तो ठीक है लेकिन इट विल बी थिकर देन बेस, बेटा बेस से तो मोटा होना चाहिए, एंड थिनर देन कलेक्टर, जो हमारा कलेक्टर था उससे थिन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका एमिटर है। एमिटर जो है उसका नाम एमिटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा, फेंकेगा, भेजेगा। इट विल एमिट या बड़ा प्रोवाइड मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। कैसे, सुन रहा, जैसे अगर मैं एन पी एन की बात करूं बड़ा, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट रीजन है ये हमारा एमिटर है। ठीक है, ये एमिटर है, इसका मतलब इसके पास खूब सारे बड़ा खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे तगड़े। इसके पास बड़ा कुछ होल्स होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि भी लाइटेड होंगे। ये एमिटर है, इस बात का अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इन दोनों को देगा, यहां से भागे भागे इलेक्ट्रॉन यहां भी आएंगे, यहां से भागे भागे इलेक्ट्रॉन यहां भी आएंगे। इट विल एमिट The electrons, electrons are in this case are the majority charge carriers. Charge को ले जाने की main जिम्मेदारी किसकी है, इन electrons की है। तो NPN transistor के अंदर ये जो हमारा emitter है ये electrons के supply करेगा। तो आप कह सकते हो कि emitter will supply free electrons in
एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करेगा। अगेन अगर मैं पीएनपी की बात करूं, बड़ा जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है जो हैविली डॉप्ड है, हैविली डॉप्ड है मतलब इसके पास खूब सारे होल्स हैं, खूब सारे होल्स हैं, इसके पास खूब सारे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी बड़ा कुछ होल्स हैं। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है जिसे हम एमिटर कह रहे हैं, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करेगा, देगा किसको देगा, बाकी दोनों को देगा। तो यहां से होल्स जो होंगे वो भागे भागे यहां भी जाएंगे और यहां से होल्स भागे भागे यहां भी जाएंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आप कह सकते हो एमिटर विल सप्लाई या एमिटर विल प्रोवाइड होल्स इन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एमिटर का नाम एमिटर क्यों पड़ा वो तुम समझ गए होंगे, ये एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को एनपीएन के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और पीएनपी के अंदर होल्स सप्लाई करेगा। सिंपल, आगे चलिए। अच्छा ये तो था बेटा हमारा, क्या था बेटा, एमिटर। नेक्स्ट वन इज बेस, बेटा नेक्स्ट वन इज बेस। हेडिंग लिखिए बच्चों, हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज बेस। जो बेस है वो हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच का सैंडविच्ड रीजन है, बीच का रीजन है। इट इज लाइटली डॉप्ड, वेरी थिन, बड़ा बहुत पतला होगा और लाइटली डॉप्ड होगा। आप कह सकते हो कि बड़ा ये एक्चुअली मिडल सेक्शन है, मेरे कहने का मतलब बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। अच्छी बात है बेटा, वेरी थिन, बड़ा बहुत पतला होगा, जितना पतला हो उतना अच्छा है, और लाइटली डोप्ड, डोपिंग बड़ा कम से कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं होनी चाहिए, लाइटली डोप्ड होना चाहिए। कौन आपका बेस, आपका बेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज कलेक्टर, कलेक्टर का नाम बड़ा, कलेक्टर क्यों पड़ा हम देख लेंगे, सुनना। अगेन बड़ा आपका मैं एक बार रीजन समझा दूं, मैं अगर पीएनपी की बात करूं तो बड़ा ये पी, ये आपका एन, ये आपका पी, यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पर ऑफकोर्स लाइटली डॉप्ड है बेस, तो ये आपका पी है, ये आपका एमिटर, ये बेस और ये आपका कलेक्टर। कलेक्टर जो होगा एक तो साइज से नजर आ गया होगा, इट विल बी द थिकेस्ट, इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा होगी, पहली बात तो बड़ा ये। और कलेक्टर और एमिटर दोनों सेम टाइप डोपिंग हो रखी है, इसमें भी बड़ा पी है, इसमें भी पी है, अंतर क्या है, एक तो ये अंतर है कि इसकी साइज जो है वो एमिटर के साइज से ज्यादा है, और दूसरी ये है कि एमिटर के मुकाबले ये लाइटली डॉप्ड है, इसमें नंबर ऑफ होल्स है तो सही लेकिन कम है, तो आप कह सकते हो लाइटली डॉप्ड एज कंपेयर्ड टू एमिटर। तो इसके पास बड़ा होल्स तो होंगे लेकिन कम होंगे। अब होगा क्या कि बाय डिफ्यूजन, मैं जानता हूं कि लेफ्ट साइड में होल्स ज्यादा हैं और राइट साइड में होल्स कम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम के एक हिस्से के अंदर हमने परफ्यूम छिड़क दिया, तो परफ्यूम जो होगा वो ऑफ कोर्स अपनी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ डिफ्यूज होगा, एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर होल्स की संख्या ज्यादा है तो यहां से होल्स निकलकर इधर आएंगे, किधर आएंगे, जहां पर होल्स की डेंसिटी कम है, तो कुछ होल्स जो होंगे वो इधर से चल के इधर आएंगे। हाँ, बीच रास्ते में बेस भी पड़ता है, बेस पड़ेगा तो ऑफ कोर्स ये जो होल होगा ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा और ये होल जो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर देगा और फिर इलेक्ट्रॉन को गायब कर देगा।
तो जब होल इधर से इधर डिफ्यूज हो रहा होगा तो बीच रास्ते में जो आपका बेस आया है, हो सकता है कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को रिकम्बाइन भी कर दे, लेकिन बहुत सारे मोस्टली होल्स जो होंगे वो इस रीजन में पहुंच जाएंगे। मोस्टली होल्स जो है वो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि मोस्टली होल्स इधर से इधर पहुंच जाए, तभी तो मैंने बेस की थिकनेस कम से कम रखी है। अगर मैंने बेस की थिकनेस अगर ज्यादा रख दी होती तो पार करने के अंदर टाइम लगता, और उतने टाइम के अंदर हो सकता है कि हमारे जो होल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ सारे के सारे रिकम्बाइन हो जाते। मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं चाहता हूं कि यहां से अगर 100 होल्स इधर से इधर आ रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 होल ही बेस एब्जॉर्ब करे, बेस के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे, फिर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को रिकम्बाइन करे, 98 होल्स जो है वो तो कलेक्टर के पास ही पहुंच जाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि कलेक्टर जो है ये एक्चुअली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट कर रहा है, अपने पास ला रहा है। सर कलेक्ट तो बेस भी कर रहा है, बड़ा बेस तो 100 में से किसी 2 को या 3 को करेगा, मोस्टली को कौन कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है। तो आप कह सकते हो कलेक्टर कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को आपका जो कलेक्टर है वो कलेक्ट करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं पीएनपी का, सॉरी एनपीएन का। बड़ा ये एन, ये पी, ये एन, खूब इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, खूब इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो एमिटर है, खूब इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बड़ा आपका बेस है, इसके पास कुछ होल्स है, ये लाइटली डॉप्ड है, ये आपका कलेक्टर है। मैंने इसका नाम निकाल दिया सी, बड़ा इसका नाम निकाल दिया मैंने बेस, और इसका नाम निकाल दिया मैंने एमिटर। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप डोप्ड है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे, कहां से कहां डिफ्यूज होंगे? अरे ऑब्वियस बात है कि वो डिफ्यूज होंगे कहां से कहां, फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यूं चलते चलते चलते, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से चलते 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 यहां आएंगे, तो बीच में जब वो बेस से गुजर रहे होंगे कि देखें वो तो देखें, ओ माय गॉड यहां पर तो होल्स पड़े हैं, होल पड़े मतलब सिलिकन के, अगर सिलिकन है तो कुछ जगह बेटा खाली जगह पड़ी होगी, तो जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से गुजरेगा 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 देखेगा ओ माय गॉड यहां पर तो होल पड़ा है, मतलब खाली जगह पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठ भी सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से गुजरेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो तो बड़ा इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसको पार करके कलेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो, ऐसा एंश्योर करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो बेस के अंदर होल्स रखे ही कम, लाइटली डॉप्ड, और मैंने इसकी थिकनेस भी कम रखी कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो हो तो पार कर जाएं और कलेक्टर रीजन के पास पहुंच जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस केस के अंदर मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को ये जो कलेक्टर है ये कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका क्या नाम निकाल दिया अपने, कलेक्टर। एनपीएन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, पीएनपी के अंदर ऑफकोर्स होल्स को कनेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, सॉरी बेटा कनेक्ट नहीं, कलेक्ट करेगा। मेरे थोड़ी बोलने में दिक्कत है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बड़ा समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बड़ा, नेक्स्ट इज, अब यार हम जब सर्किट बना रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी कि हम ऐसे बड़ा पी एन पी ऐसे दिखाएंगे, हमने हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को किसी न किसी साइन से रिप्रेजेंट किया है। कैपेसिटर के लिए हम अलग साइन यूज करते थे, बैटरी के लिए हम अलग साइन यूज करते थे, अगर रेजिस्टेंस दिखाना होता था तो हम यू यूज करते थे, कैपेसिटर दिखाना होता है हम यू यूज कर लेते हैं, इंडक्टर दिखाना होगा ऐसे यूज कर लेंगे, बैटरी दिखानी है बेटा ऐसे यूज कर लेंगे। तो हमने तो हमेशा है ना जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रहे हैं, हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई ऐसे साइंस बना लिए थे। हमें ट्रांजिस्टर के लिए भी साइन बनाना चाहिए। तो चलिए बेटा कैसे हम सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर को लिखेंगे बनाएंगे देखना। तो बेटा अगर आपके पास पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो उसको सर्किट में कैसे दिखाओगे, सुनना बेटा। ये आपका एमिटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। सबसे पहले ऐसे एक सर्कल बना दो, ठीक है, बेस को है ना ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। कलेक्टर के लिए
ऐसे बड़ा एक स्लेंट लाइन बना दो। ये तो हो गया आपका कलेक्टर का टर्मिनल, ये मैंने बोल ही दिया बेटा, ये हो गया आपका बेस का टर्मिनल, और यहां कहीं आप एक तीसरा टर्मिनल लिख दो एमिटर, और इसको ऐसे जोड़ दो। समझ गए इस बात को? अब लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं इसको साइन बनाता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ये एमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है, लिखना पड़ेगा मेरे को ई सी बी लिखना पड़ेगा, तभी मैं बोलूंगा कि ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। लिखना ना पड़े इस बात के लिए मेरे पास एक छोटा सा प्लान भी है कि एमिटर साइड वाले में मैं एमिटर साइड वाला जो लाइन खींची है उसमें एरो लगा दूंगा, जिससे पता लग जाएगा कि एरो वाली जो साइड है ना वो तो एमिटर की है और बिना एरो की जो लाइन है ना वो कलेक्टर वाली है। एरो लगा दो। सर एरो किधर से किधर लगाओ? एरो हमेशा लगाया करो पी से एन। एमिटर तो पी पे है, बेस एन पे है, तो ये पी है ये एन है, हमेशा बेटा एरो लगाया करो पी से ऐसे एरो लगा दो, बस सिंपल सिंपल ऐसे एरो लगा दो। अब ऐसे एरो लगाने से दो बातें पता लगी अपन, एक तो ये कि इधर एरो नहीं लगी हुई तो ये तो कलेक्टर हो गया, इस तरफ एरो है तो ये वाली पक्की बात है कि एमिटर हो गई, और ये भी पता लग गया कि एरो यू है तो ये पक्की बात है पी है, क्योंकि एरो कहां से होगी? पी से। किसकी तरफ होगी? एन। तो हम समझ गए ये है पी एन, ये ऑब्वियस बात है पी पी एन पी पी एन एन तो हो नहीं सकता था, पी एन पी, मामला सेट। चलो मैं दूसरा उत्तर दिखाता हूं। अगर मुझे बड़ा एन पी एन दिखाना है, एन है बड़ा आपका एमिटर, पी है बड़ा आपका बेस, और ये एन है आपका कलेक्टर, कैसे दिखाएं कैसे दिखाएं? सबसे पहले सर्कल बनाओ, बना दिया, बेस जो है उसको तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कलेक्टर दिखाना है तो ऐसे एक स्लैंट, और यू ये कलेक्टर, फिर ऐसे स्लैंट और इधर वाला आपका एमिटर, ये बड़ा आपके बेस है, ऐसे दिखा दिया। लेकिन सर मैं अगर ई सी बी ना लिखूं ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन सा एमिटर है कौन सा कलेक्टर है? तो एक काम करो, एक तरफ एरो लगा दो, एरो किस तरफ लगाओ? एमिटर वाले साइड में। एरो या तो यू लगाओगे या एरो यू लगाओगे। तुम कहो सर एरो है ना, हमेशा मैं पी से एन लगाऊंगा, बेस तो है पी पे, एमिटर है एन पे, एरो लगाओ ऐसे, और एरो ऐसे लगते ही मुझे दो बातों को पता लग गया, कौन सी बात? कि एक तो एरो वाली जो साइड है वो एमिटर है और बिना एरो वाली साइड कलेक्टर है, और दूसरी एरो यूं लगी है तो ये पी है ये एन है, ये एन है ये पी है तो ये ऑफिस से एन है, तो ये हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। आई होप बेटा सर्किट में तुम देख के बड़े आराम से आइडिया लगा पाओगे कि कौन सा एन पी एन है और कौन सा बेटा आपका पी एन पी है। बना लग रहा आसान सा काम है, कोई बहुत टफ काम नहीं, याद भी कर सकते हो, बाकी डाल लॉजिक तो आपको बता ही दिया है, याद तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बेटा ट्रांजिस्टर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बेटा आपका ट्रांजिस्टर काम करता है, ठीक है बच्चों? अभी देखते हैं बेटा, बहुत आसान से काम है, हो जाएगा बड़े आराम से, सुनिएगा। सुनिएगा सबसे पहले मैं एक बार के लिए पी एन पी ले लेता हूं, ये बड़ा हमारा प्योर सिलिकॉन इंट्रिंसिक, मैंने इसके लेफ्ट मोस्ट हिस्से पे पी टाइप डोपिंग कर दी, बीच में पतला सा रीजन था उसमें एन टाइप डोपिंग कर दी, मतलब स्मॉल से डोपिंग, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें डोपिंग खूब किए इसमें कम किए, ये ऑफिस से पी, ये जो लेफ्ट मोस्ट रीजन जो हैविली डोप्ड है
इसके पास बेइंतहा नंबर ऑफ होल्स हैं, ठीक है बच्चों। जो आपका बीच वाला थिन सा रीजन है उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लाइटली डोप्ड है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और राइट मोस्ट जिसको आप कलेक्टर कह रहे हो उसके पास बड़ा ऑफकोर्स पी टाइप डोपिंग है तो होल्स होंगे, डेंसिटी कम होगी, जगह ज्यादा होगी, ये आपका कलेक्टर है। वर्किंग में हमेशा इस बात को याद रखिए, मैं एक बार लिख दूं बड़ा, दिस इज एमिटर, तो मैंने इधर तो मैंने ई लिख दिया, ये बड़ा तेरा बेस, ये तेरा कलेक्टर। वर्किंग में हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा इस बात को याद रखना कि जो आपका बेस एमिटर जंक्शन है उसको तुम फॉरवर्ड बायस रखना। कारण बेटा सब धीरे धीरे दिख जाएगा, चिंता मत करो। मैं तो कुछ वैसे नहीं रटवा रहा बेटा, मेरे को तो खुद को याद नहीं होता, मैं कहां से रटवा दूं, मैं तो बेटा खुद ऐसे लॉजिकली सोच सोच के सारा सारा मामला बना लूंगा, तुम भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक है सब कुछ, ठीक है। बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस कर दो, अभी कर देंगे। बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है, बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस, ये पी है ये एन है, तो पी को जोड़ दो हायर पोटेंशियल पे और इसको जोड़ दो लोअर पोटेंशियल पे। तो मैंने एक ऐसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका हायर पोटेंशियल तो पी से और लोअर पोटेंशियल बी से, ऐसे, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बड़ा, मैंने इसको वी ई ई लिख दिया, एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए वी ई ई लिख दिया। और सुनो भी, तो जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है इसको रिवर्स बायस कर दो, इसको रिवर्स बायस कर दो। रिवर्स बायस करने का मतलब ये हो गया, ये है P, ये है N, कि P को तो कनेक्ट कर दो नेगेटिव पोटेंशियल से, छोटे पोटेंशियल से, और इस N को कनेक्ट कर दो हायर पोटेंशियल से, और इस पोटेंशियल को VCC कह दो। बस याद रखनी है बड़ी वाली बात को ना, इसके पीछे लॉजिक धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना अभी तक, ठीक है। अब सुनो, अगर हम ये पोटेंशियल्स ना लगाते तब भी इधर वाले होल इधर आना चाहते, क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, ठीक है ना। बट हमने इस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर इस काम को और आसान कर दिया है। चेक करो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है मतलब ये प्लस, ये जो हायर पोटेंशियल है, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये ऑफ कोर्स इन होल्स को रेपेल करेगा कि भागो यहां से, भागो यहां से, तो ये होल्स को इस तरफ भगाने की कोशिश करेगा, होल्स को इस तरफ भगाने की कोशिश करेगा। इवन ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ऑफ कोर्स इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा कि आओ इधर आओ। होल्स का आना मतलब पॉजिटिव चार्ज का आना, ये मैं तुम्हें शुरुआत से कन्विंस करता हूं बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि होल्स जो होंगे वो इधर से इधर भागेंगे, इधर से इधर भागेंगे। हाँ, जब होल्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएंगे तो बीच में ऐसा हो सकता है कि जब ये बेस से गुजर रहे हो तो कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ रिकम्बाइन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? रिकम्बाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां से 100 होल्स गए, दो होल्स जो थे वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर कितने होल्स पहुंचे? 98 होल्स पहुंचे। कहने का क्या अर्थ हुआ कि यहां से 100 ई चार्ज गया, कितना चार्ज गया? 100 ई चार्ज गया, उसमें से 2E चार्ज यहां रह गया, 2E चार्ज यहां रह गया और 98E चार्ज यहां पहुंच गया। सही बोला बड़ा ने, यहां से चार्ज गया है 100E, ठीक है। जब दो होल से यहां पहुंचे तो इनके पास चार्ज आ गया है 2E, क्योंकि हर होल के पास में चार्ज मान रहा हूं प्लस ई,
मान सकते ना, याद करो बेटा, मैंने स्वीकार कर लोगों को। और 98 ई चार्ज आ गया यहां, ठीक है, ठीक है। यहां से अब देखो, जैसे ही यहां से होल्स निकलेंगे, जैसे यहां से 100 ई चार्ज यू जाएगा, ये बैटरी यहां से 100 ई चार्ज और दे देगी। हायर में क्या पढ़ा रहा था मैं, शायद कह रहा था कि ये जो हायर पोटेंशियल है, ये बड़ा ऑफकोर्स इन होल्स को पुश करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल होल्स को अट्रैक्ट करेगा, मोस्ट ऑफ द होल्स जो होंगे वो इधर से इधर आ जाएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा कहा कि लेट्स से यहां से 100 होल्स गायब हुए, दो होल जो थे वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर गए, बाकी 98 होल्स यहां पहुंच गए। तो यहां से चार्ज गया 100 ई, उसमें से 2 ई चार्ज बेटा इन इलेक्ट्रॉन से ले लिया, 98 ई चार्ज यहां पर आ गया। यहां से जब 100 ई चार्ज गया, तो चार्ज की कंटिन्यूटी के कारण ऑफकोर्स इस बैटरी को बेटा यही 100 ई चार्ज यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसके कारण जो करंट आएगा बेटा, मैं उसे IE कह रहा हूं, करंट इन एमिटर, करंट इन एमिटर, ठीक है। अब आगे चलना, आगे सुनो, यहां पर आपके पास 98 ई चार्ज आया, यहां पड़ा तो रहेगा नहीं, आगे जाएगा, यहां से वही करंट बेटा बाहर निकलेगा, और यहां से जो करंट बाहर निकलेगा मैं उसको IC कह रहा हूं, दैट इज करंट इन कलेक्टर। और ये किसके कारण है, ऑफ कोर्स 98 जो इलेक्ट्रॉन्स यहां, सॉरी 98 ई जो चार्ज यहां पर आया है, वही बेटा यूं चलते 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 ऐसे आएगा, इधर से ये 98 ई चार्ज आएगा, यहां से ये 98 ई चार्ज आएगा, यहां से ये 100 ई चार्ज आ रहा है, यहां से बेटा ये 100 ई चार्ज आ रहा है, 98 ई चार्ज ये है, 100 ई चार्ज ये है, तो पक्की बात है कि इधर से चार्ज आ रहा है 2E। ये 2E चार्ज कहां से आया तुम समझ गए होंगे, वो जो आपके 2E चार्ज यहां पर आया था भाई, यहां से 100 ई आया था, 98 इधर चला गया, 2E यहां था, वो 2E चार्ज यूं चलते 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 बाहर निकल गया, और इस चार्ज के कारण जो करंट आया है, इसे मैं बेस करंट कह रहा हूं, इसे मैं IB लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, आई बी मतलब बेस करंट, IE मतलब बेटा आपका एमिटर करंट, और IC मतलब आपका कलेक्टर करंट। आई होप बेटा यू गॉट द पॉइंट। यहां बड़ा करंट ऐसे आ रहा है, यहां बेटा आपका करंट ऐसे आ रहा है, ये वाली बैटरी भी सोर्स की तरह काम कर रही है, ये वाली बैटरी भी बेटा आपके सोर्स की तरह काम कर रही है, करंट इज एंटरिंग एट लोअर पोटेंशियल एग्जिटिंग एट हायर पोटेंशियल, करंट इज एंटरिंग एट लोअर पोटेंशियल एग्जिटिंग एट हायर पोटेंशियल। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं यहां पर एक बात और बोलना चाहता हूं कि हमारा जो एमिटर करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितना चार्ज गया। जो हमारा कलेक्टर करंट है, मैं ऐसे लिख दूं, दैट इज सम कांस्टेंट टाइम्स कितना चार्ज गया। हमारा जो कलेक्टर करंट है, दैट इज ऑफकोर्स सम कांस्टेंट टाइम्स यहां से कितना चार्ज गया। हमारा जो बेस करंट है, भले कम हो, मैं एक बात कह सकता हूं, दैट इज के टाइम्स 2E। मैं बड़े आराम से इतनी बात कह सकता हूं कि यहां से जितना चार्ज गया 100 ई शुड बी इक्वल टू यहां से कितना चार्ज गया 2E प्लस यहां से कितना चार्ज गया 98 ई। अगर मैं पूरे को कैसे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दिस इज IE, इट शुड बी इक्वल टू IB प्लस IC। इट इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। याद रखना है कि एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अच्छा रिजल्ट है, बार बार काम आता है बेटा। अगली बात, जो आपका बेस करंट होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एमिटर करंट। आपका जो बेस करंट होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट। ये बहुत छोटा होगा, तो ये दोनों लगभग लगभग सेम होंगे। आपके जो एमिटर करंट है और जो कलेक्टर करंट है, वो लगभग लगभग सेम होंगे। ये दोनों लगभग लगभग सेम हो और बेस करंट कम से कम हो, ये वाली बात तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखी कि बेस करंट जो हमारा बेस बनाया था वो थिन हो और साथ ही उसमें डोपिंग कम से कम हो। अगर ये बेटा आपका थिक होता, डोपिंग ज्यादा होता, तो बेस करंट भी अच्छा खासा होता। हमने जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि बेटा नेचर में ऐसा है, हमने ऐसा किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग में ये वाला सारा सारा काम किया। और क्यों किया, इसके ऑब्वियस बात है बेटा, कुछ ना कुछ कारण भी आएंगे, देख लेंगे। आई होप बेटा समझ गए होंगे। मैं एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं कि आपका जो बेस करंट है ना, रफली बोल रहा हूं बड़ा, आपका जो बेस करंट है वो आपके एमिटर करंट का 2% से लेकर
5% के आसपास होता है। सॉरी बेटा, 2% तो 0.02 होगा ना, 2% से लेकर 5% के आसपास होता है रफली। बाकी बचा हुआ कौन? कलेक्टर करंट। तो आप कह सकते हो कि कलेक्टर करंट जो है वो रफली 0.98 टाइम्स एमिटर करंट से लेकर 0.95 एमिटर करंट के बराबर, रफली। तो 2 से 5% आपका जो एमिटर करंट है वो बेस करंट हो जाएगा और लगभग बड़ा 95% तक आपका कलेक्टर करंट हो जाएगा। ये कहानी बड़ा किसकी? पीएनपी की। और इस केस में आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन थे? इस केस में आप बोलोगे सर, इस केस में तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो आपके होल्स थे। पीएनपी के अंदर मेजरली जो चार्ज जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ होल्स के मोशन के कारण जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा सा फॉर्मूला है, प्यारा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे आगे जाके भी काम आएगा। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स बिल्डअप कर रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पर हमारा ये सारा का सारा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। चलिए बच्चों, इसी बात को हम एक बार एनपीएन में भी देखते हैं। हालांकि बात बेटा रिपीटेटिव ही होगी, बट मुझे लगता है कि मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। हो सकता है किसी बच्चों को ये वाला ना समझ में आया हो भाई, तो वो कम से कम दो बार तो समझ सकता है। बाकी बात रिपीटेटिव ही होगी, मेरे पास ऐसे कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ये सारे के सारी बात मैं एक बार एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी समझा रहा हूं और अगेन फील आ जाएगी आपको कि हाँ एग्जैक्टली कैसे ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। फील तो पक्का आ जाएगी, वर्किंग प्रिंसिपल का तो आइडिया लग ही जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स तो हम उस पर डेवलप कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर एन, ये छोटा वाला रीजन है, फिर आपका पी, फिर आपका एन। ये जो एन है ये आपका बड़ा एमिटर है, ये जो आपका एन है बड़ा ये आपका कलेक्टर है, और ये तो ऑफकोर्स बड़ा बेस है। जो एमिटर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स की बड़ा बहुत ज्यादा संख्या है, बिकॉज इट इज हैवीली डोप्ड। हमने बनाए इस तरह से, इट इज एक्सट्रीमली हैवीली डोप्ड, बढ़िया से डोपिंग कर रखी है। ये पी है, बड़ा पी टाइप में होल्स होंगे लेकिन लाइटली डोप्ड, हमने बहुत ज्यादा डोपिंग की नहीं है। ये भी बड़ा एन टाइप है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड नहीं है। ठीक है, एमिटर, अच्छा ये बेस था, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना था, भूल तो नहीं गए, अभी तो लिखाया था। एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को हायर पोटेंशियल पर रखो, पी को हायर पोटेंशियल पे और एन को लोअर पोटेंशियल पे, कारण दिख जाएगा। एन को लोअर पोटेंशियल पे, पी को हायर पोटेंशियल पे, ले बेटा। और ये जो पोटेंशियल है बड़ा, मैंने इसको जानबूझ के वी ई ई लिख दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमिटर एक तरीके से। ये क्या बेटा? अपना बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करो। सर रिवर्स बायस? हाँ बेटा बिल्कुल, ये तो लिखाया था। रिवर्स बायस अगर करना है तो एन को तो जोड़ो लोअर पोटेंशियल से और पी को जोड़ो हायर पोटेंशियल से। सॉरी बेटा उल्टा बोल दिया, रिवर्स बायस करना है तो एन को जोड़ो हायर पोटेंशियल से। एन को मैंने जोड़ दिया हायर पोटेंशियल से और ये जो पी है इसको मैंने जोड़ दिया लोअर पोटेंशियल से, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तुम वीसीसी लिख लो, चलेगा? अब क्या होगा, हम जानते हैं हल्का फुल्का क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, और जैसे यहां वाले फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाने लगेंगे तो बीच में वो ऑफ कोर्स इस बेस के थ्रू गुजरेंगे, तो देखेंगे बेस के अंदर ओ माय गॉड कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रोकन है, कुछ होल्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इन होल्स पर जाकर सेट हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की तरफ पार कर जाएंगे, मान लो लेट्स से कि 100 इलेक्ट्रॉन जो थे, 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ भागे, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो थे
वो तो बेटा इस बेस ने होल्स वाली जगह को भरने में यूज कर लिए। तो इधर की तरफ कौन पहुंचे? 97 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, इधर 97 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। अब क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा, ये जो 97 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े नहीं रहेंगे, सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो यही 97 इलेक्ट्रॉन्स यूं आएंगे। 97 इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, तो इधर से इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब करंट यूं आ रहा है। और करंट इधर से जो आएगा, मैंने इसका नाम निकाल दिया आईसी। 98 इलेक्ट्रॉन्स यूं आए, सॉरी बेटा 97 इलेक्ट्रॉन्स यूं आए, या 97 टाइम्स ई, मतलब बेटा 1.6 इंटू 10 रेस माइनस 19 कूलम, या 97 इंटू ई चार्ज यूं आए, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्टर करंट है, इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स 97 इंटू ई। बड़े लिखो, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो करंट की कंटिन्यूटी के लिए ऑफकोर्स 100 इलेक्ट्रॉन पीछे से आएंगे। 100 इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब भाई 100 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो पीछे से बड़ा ये बैटरी 100 इलेक्ट्रॉन देगी। इधर से 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब यहां पर करंट आएगा ऐसे, और ये जो करंट आएगा इसको एमिटर करंट बोल देता हूं बड़ा, दिस इज एमिटर करंट, एंड दिस एमिटर करंट विल बी कॉन्स्टेंट टाइम्स कितना चार्ज दिया है। अब एक ही बात बेटा, इधर की तरफ आपने 100 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हो, या इधर की तरफ 100 ई चार्ज आया हो, एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा ई नहीं है, माइनस ई है। तो इधर की तरफ जो 100 ई चार्ज गया है, उसके लिए आप लिख सकते हो करंट आ गया के इंटू 100 ई। फेयर एनफ। अब क्या लास्ट बात, अब देखना बेटा, यहां पर करंट है आईसी, यहां पर करंट है आईसी, ये जो करंट आईसी, इट इज के टाइम्स 97 ई, मतलब 97 ई चार्ज यू गया है, ठीक है। यहां पर करंट है आईई, यहां पर करंट है आईई, आईई की वैल्यू है के टाइम्स 100 ई। 100 ई का अर्थ समझ गए कि 100 ई चार्ज यू गया है, 100 इलेक्ट्रॉन्स यू गए और 100 ई चार्ज यू गया है, एक ही बात है। 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 ई चार्ज यू आया, 97 ई चार्ज यू निकल गया, तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा 3 ई चार्ज तो यू गया होगा ना, और उसके कारण जो करंट आएगा उसे हम नाम निकाल देंगे बेस करंट, एंड दिस बेस करंट मस्ट बी कॉन्स्टेंट टाइम्स कितना चार्ज गया है, चार्ज गया बड़ा 3 ई। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जाकर क्या करेंगे? बड़ा वही करेंगे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए थे, जो बड़ा 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए थे, वो 3 इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से निकल गए, इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से निकल गए, तभी तो करंट यूं आया। 3 इलेक्ट्रॉन यूं गए या 3 ई चार्ज यूं आया, बात तो एक ही है, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर एब्जॉर्ब हुए थे बड़ा, उन्हीं को कंपनसेट करने के लिए 3 ई चार्ज यूं गया, सॉरी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन यूं गए, तो 3 ई चार्ज ऐसा। फिर से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, चेक कर लो, 97 ई चार्ज यूं आया, 3 ई चार्ज यूं आया, और 100 ई चार्ज यूं निकल गया। दूसरे शब्दों में कहूं तो 100 इलेक्ट्रॉन यूं आए, 3 इलेक्ट्रॉन यूं गए, 97 इलेक्ट्रॉन यूं गए। बस करंट की और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हल्के फुल्के कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज तो सीधी सी बात बोल रहा हूं कि मेरे पास 97 इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकले हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से सप्लाई हुए। मैंने उसको इस तरह से बोल दिया कि 97 ई चार्ज यूं आया है, 3 ई चार्ज यूं आया है, और बड़ा ऑफ कोर्स 100 ई चार्ज यूं गया है, एक ही बात है। समझ गए इस बात को? अब मैं बड़े आराम से वापस से कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। वापस से बड़ा वही फॉर्मूला बन गया मेरे पास, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। फिर से बड़ा आप देख पा रहे हो कि आई बी की जो वैल्यू है बड़ा, वो आई ई के सामने या फिर आई सी के सामने बहुत छोटी होगी। आई सी जो होगा वो लगभग हमारे एमिटर करंट के आसपास ही होगा, रफली आसपास ही होगा। आई एम रियली होपिंग कि बड़ा तुम सारी बात समझ गए, और आसान सा फंडा था, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हालांकि मैंने उनको क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता ही दिया,
इस केस में सर्किट में आप बड़ा फिर से चेक कर सकते हो कि ये जो दोनों बैटरीज मैंने लगा रखी, दोनों बैटरीज सोर्स की तरह काम कर रही है। करंट इज एग्जिटिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल, करंट इज एंटरिंग एट लोअर पोटेंशियल, ऑफकोर्स दिस बैटरी इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स। करंट इज एंटरिंग एट लोअर पोटेंशियल, एग्जिटिंग एट हायर पोटेंशियल, इट इज बिहेविंग लाइक ए सोर्स। बोथ द बैटरीज आर एक्टिंग लाइक ए सोर्स। अच्छी बात, बड़ा बढ़िया बात है। यहां तक सारा का सारा बड़े आराम से कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा। याद करने वाली बात तो इतनी सी थी, याद करने वाली बात पर इतना सारा समय थोड़ा लगा था। लेकिन हो सकता है कभी बड़ा जेईई मेन वाले कोई बहुत ही बड़ा सवाल पूछ रहे इस बात पे, और हमसे बन जाएगा।